चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। ये जो विषय है, इनसे कई सारे लोग, स्पेशली जो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स है, वो भी त्रस्त है। वो ये है कि क्यों कुछ दिन ना बोले तो लोग अंग्रेजी बोलना भूल जाते हैं। भले ये पढ़ते वक्त ही थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा है। आप भी उनमें से कोई या तो है या फिर भविष्य में होने वाले हैं। तो उससे कैसे बचा जाए, हम इन सभी चीज़ों पर अभी बात करेंगे। तो ये हमने देखा है कि कई लोग बहुत बेहतरीन ढंग से अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन फिर किसी कारण से, मानिए कि जैसे जगह बदल दी तो फिर बोलने के लिए लोग नहीं मिले, या फिर कुछ और हो जाए जिसकी वजह से वो नहीं बोल पाए कुछ दिन, कुछ हफ्ता, सप्ताह, या फिर कुछ कहे महीने, और फिर वो बोलना भूल जाते हैं। बोलते वक्त उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है, शब्द याद नहीं आएंगे, वाक्य बना नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, और न जाने कई अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं और वो बोल नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए, अब हम इन चीज़ों पर अभी पूरा डिस्कशन करते हैं डिटेल में, और साथ में इसका सॉल्यूशन भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते वक्त हम एक बात यहाँ पे देखेंगे कि भाषा मतलब क्या होती है। भाषा मतलब हमारे भावनाओं को आदान प्रदान करने का माध्यम होती है। मतलब हम जब किसी के साथ बात करते हैं तो एक्चुअली क्या करते हैं, हम अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और इसलिए मतलब अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम जो माध्यम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे शब्द या कहो आवाज, साउंड, ये हमारा क्या होता है, वो माध्यम होता है अपनी फीलिंग्स को आदान प्रदान करने का। तो ओरिजिनली हम फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं और उसके लिए शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, आवाज इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब हुआ, अगर हम किसी के साथ बात करते हैं, मतलब भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो उन भावनाओं से संबंधित शब्द हमें याद आने चाहिए और वो अपने मुंह से अपने आप आने चाहिए, निकलने चाहिए। ऐसा होता है जब हम हमारी मदर टंग में जब बात करते हैं, तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि जब हम बात करते हैं तो दो तरीके होते हैं जिसके जरिए हमें शब्द याद आते हैं। पहला, अगर हमारी उन भावनाओं से, जिन भावनाओं को हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, उनसे जो संबंधित शब्द, जो शब्दों के जरिए उन भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, वो शब्द, वो साउंड, उनसे अगर उस मतलब उन भावनाओं से अगर वो साउंड या वो शब्द जुड़े हुए हो, तो जैसे वो भावना आएगी वैसे वो शब्द आएंगे। मतलब जब भी हम बात करते हैं तो जो फीलिंग हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, उससे संबंधित शब्द अगर उन्हीं भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो भावना आते ही शब्द आ जाएंगे और अपने आप हम बोल लेंगे। या फिर दूसरा एक तरीका है उन शब्दों को याद करने का, वो है कि वो शब्द हमारे वर्किंग मेमोरी में रेडी हो, वर्किंग मेमोरी में तैयार हो, प्रेजेंट हो। अब वर्किंग मेमोरी मतलब क्या है? जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो उस वक्त के बारे में जो भी चीज़ें होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे ब्रेन के एक भाग में, जिसे वर्किंग मेमोरी कहते हैं, उसमें रेडी रहता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर में रैम होता है। मतलब जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बस पास ही में होती है। आप घर पे भी देख सकते हैं, जिन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हम कहीं तो भी आसपास ही रखते हैं, ताकि हमें, क्योंकि बार बार इस्तेमाल करनी पड़ती है, हम झट से उसको ले सकें। बिल्कुल वैसे ही हमारे ब्रेन का होता है। जिन चीज़ों के बारे में हम बार बार बोलते हैं, उनसे संबंधित शब्द हमारे वर्किंग मेमोरी में होती है, क्योंकि हमें, क्योंकि बार बार इस्तेमाल करना है, हमारा ब्रेन भी उसको नज़दीक में रखता है ताकि झट से ले और इस्तेमाल कर सके। तो उसे कहते हैं वर्किंग मेमोरी। तो दो ही तरीके हैं शब्दों को याद करने के, या तो भावनाओं के समन के सब भावनाओं को जोड़ दो, या फिर वर्किंग मेमोरी में रखो। अब मतलब ये जो शब्द है, भावनाओं को अगर जुड़े हुए होंगे तो वो अपने आप याद आने लग जाते हैं, उसके लिए हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर भावनाओं से जुड़े हैं तो भावना आई तो शब्द अपने आप आ जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें शब्दों का हमारे वर्किंग मेमोरी में रखना पड़ता है। और अगर वर्किंग मेमोरी में रखना है तो वो बस तभी होती है जब हम उनको बार बार इस्तेमाल करें। इसका दूसरा मतलब है, अगर आपने उनका इस्तेमाल करना छोड़ा तो वो वर्किंग मेमोरी में होंगे ही नहीं। क्या आप समझ रहे? अगर आपके शब्द आपके भावनाओं से जुड़े हुए नहीं है, और अगर आप बार बार बोलने की वजह से बोलना सीख गए हैं, तो वो तब तक ही बोलना रखेंगे, चालू रखेंगे, जब तक आप बार बार बोलेंगे, रेगुलरली बोलेंगे। जैसे ही आप रेगुलरली बोलना छोड़ देंगे तो आपकी वर्किंग मेमोरी खाली हो जाएंगी और आप वो शब्द याद नहीं कर पाएंगे। मतलब आप बोलने में आपको तकलीफ हो जाएगी, जिसे आप कहते हैं कि आप भूल गए। तो कैसे भूल गए? क्योंकि आपने कभी अपनी भावनाओं को उन शब्दों को जोड़ा ही नहीं है। तो फिर भी आप बोले इसलिए क्योंकि आपने बार बार बोला, तो आपकी वर्किंग मेमोरी में शब्द चले गए, बड़ी आसानी से याद आते थे क्योंकि वर्किंग मेमोरी में थे। लेकिन वर्किंग मेमोरी का प्रॉब्लम क्या है? अगर आप उन शब्दों का इस्तेमाल करना छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो वो वहाँ से चले जाएंगे, चले जाएंगे। और जैसे वो चले जाएंगे आपको अलग अलग प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे, जिसे आप कहते हैं कि आप बोलना भूल गए अचानक से। तो अगर आपको लगता है कि आप फ्लुएंटली बोले, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के, तो सबसे बेहतरीन फिर क्या तरीके है?
या तो उन शब्दों को जो उनसे जो उन फीलिंग्स को संबंध रखते हैं उनको उन फीलिंग्स से जोड़ दो, शब्दों को उन फीलिंग्स से जोड़ दो, या फिर रेगुलरली बहुत सारा बोलते रहो, कभी रोको मत। अब हमेशा बोलना तो संभव नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी। तो फिर क्या किया जाए ताकि हम फिर कुछ दिनों के लिए कहें या फिर कुछ सप्ताह के हफ्ते के लिए कहें कुछ महीनों के लिए कहें, अगर हम बोलना भी छोड़ दें तो भी हम भाषा ना भूलें, हम बड़ी आसानी से फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल पाए। तो कैसे किया जाए ये सब, तो यहाँ पे देखिए हम एक छोटे सी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हम किसी भाषा के एटमॉस्फेयर में होते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से हमारी भावना जो है भावनाएं जो है वो उससे संबंधित जो शब्द है उससे जुड़ जाते हैं। अर्थात ये तभी हो पाता है जब हम जो शब्द बोलते हैं या सुनते हैं उससे संबंधित भावनाओं को हम अनुभव भी करें। मतलब जो हम बोल रहे हैं या फिर जो हम सुन रहे हैं और तो उसी के संबंध की फीलिंग अगर हम अनुभव भी करते हैं तो बड़ी आसानी से शब्द हमारी भावनाओं से जुड़ जाते हैं। मदर टंग में ऐसा होता है बड़ी आसानी से, मदर टंग में जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उससे संबंधित फीलिंग भी आप बड़ी आसानी से हम फील करते हैं, और इसीलिए मदर टंग में हर भावनाओं को उससे संबंधित शब्द बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल भी अगर आप देखेंगे कि अगर हम मदर टंग में हमारी मातृभाषा में अगर हम अपने पिताजी को आवाज़ दे रहे हैं और या फिर हम हमारे दोस्त को आवाज़ दे रहे हैं तो दोनों वक्त हम अलग अलग फीलिंग फील करते हैं। इससे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हम हर फीलिंग को फील करते हैं जब हम हमारी मदर टंग में बात करते हैं। इसका असर ये होता है कि हमारे जो शब्द है जिन शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं वो शब्द हमारी भावनाओं से जुड़ जाते हैं, और एक बार कि वो जुड़ गए तो जब भी वो भावना उससे संबंधित भावना जो हम फील करते हैं तो जैसे ही भावनाओं को हमने फील किया अनुभव किया उसी वक्त उससे जुड़े हुए शब्द बड़ी आसानी से अपने आप स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविक रूप से अपने आप हमारे मुँह से बाहर निकल जाते हैं। उसके लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता, फ्लुएंटली हम बोल लेते हैं। तो हम मदर टंग में फ्लुएंटली क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे हमारी जो भावना है उससे संबंधित शब्द उससे जुड़े हुए होते हैं। भावना का अनुभव हुआ कि अपने आप शब्द हमारे मुंह से बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए हमें मदर टंग में कभी सोचना नहीं पड़ता क्योंकि भावनाओं से शब्द जुड़े हैं, भावना ही कि शब्द अपने आप हमारे मुँह से निकल आते हैं। लेकिन ऐसा फॉरेन टंग में नहीं होता। फॉरेन टंग में जब हम बात करते हैं तो हमें याद लाने पड़ते हैं शब्द, अपने आप याद नहीं आते हैं। अगर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो शब्द जो है हमारी भावनाओं से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन अगर फॉरेन टंग में भी अगर आपके जो शब्द है वो उससे संबंधित शब्द भावनाओं से अगर जुड़े होंगे तो फॉरेन टंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाता। और ये भी आप देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भूल पाते, क्यों, क्योंकि उन्होंने उन शब्दों को फील किया है, अपनी फीलिंग से जोड़ के रखा है इसीलिए। तो फिर कैसे कैसे किया जाए, ये बड़ी आसान है। बस जब आप बोले तो उससे संबंधित शब्दों को फील भी करें, अदरवाइज आप नहीं जोड़ पाएंगे उन शब्दों को, और अगर वो शब्द जुड़ नहीं जुड़े तो आप बोलते वक्त उनको याद भी नहीं कर पाएंगे। तो याद करने का फिर एक ही तरीका बचेगा, वह है वर्किंग मेमोरी, जिसमें आपको बोलते रहना पड़ेगा और जो फिर से प्रॉब्लमेटिक है। तो सबसे बेहतरीन तो यही है, अगर आप फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, अगर आप कभी भी भूलना नहीं चाहते हैं, बेझिझक बोलना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, अपनी भावनाओं को उन शब्दों से जोड़ दें जिन शब्दों को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर ये छोटा सा बदलाव आपकी दिनचर्या में आप करेंगे तो बड़ी आसानी से आप फ्लुएंटली बात करेंगे जब भी आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं। तो अभी तक मैंने जो भी बताया उसको अगर एक छोटे से सेंटेंस में या फिर दो तीन सेंटेंस में अगर मैं समराइज करूँ तो वो कुछ ऐसा है, जब हम बात करते हैं किसी के साथ तो दो तरीकों से ही शब्द याद आते हैं या फिर दो रीज़न से शब्द याद आते हैं, या तो उन शब्दों का बार बार इस्तेमाल करें या फिर आप उन शब्दों को अपने भावनाओं से जोड़ दें। शब्दों को बार बार इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आसान तरीका है लेकिन प्रॉब्लमेटिक है, और इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अगर आपने उन शब्दों का इस्तेमाल छोड़ दिया तो आप वो शब्द भूल भी जाएंगे। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, उन शब्दों को उनसे संबंधित भावनाओं से जोड़ दो। अगर ऐसा किया तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे जैसे हम अपनी मदर टंग नहीं भूलते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि जब आप कुछ बोल रहे हो या जब आप कुछ सुन रहे हो तो उससे संबंधित शब्दों वो जो शब्द सुन रहे या जो साउंड सुन रहे या बोल रहे उससे संबंधित जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को उस वक्त अनुभव भी करो। जो बोल रहे हो जो सुन रहे हो उससे संबंधित भावनाओं का अनुभव करो, उससे संबंधित फीलिंग्स को फील करो, अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो, तो वो शब्द उन भावनाओं से जुड़ जाएंगे। और एक बार कि वो भावनाओं से शब्द जुड़ गए फिर कोई भी उसको नहीं छोड़ पाएगा, उससे नहीं निकाल पाएगा। और आप जब भी उन भावनाओं को फील करेंगे तो बड़ी आसानी से वो शब्द अपने आप जैसे मदर टंग में आते हैं वैसे ही अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो आप फ्लुएंट भी हो जाएंगे और परमानेंटली फ्लुएंट हो जाएंगे, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो ने आपको मदद की है। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रहा तो आप मुझे लिख सकते हैं, जेड मास्टर इंग्लिश ग्रुप जो फेसबुक का है उस पर आप आ जाइए और वहाँ पे जो सवाल है आपका डालिए, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उसको सब्सक्राइब करके उस पर भी सवाल डाल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बना डालिए जिसमें मेरा नंबर डाल दीजिए 9970454728 और वहाँ पे भी आप अपना सवाल डाल सकते हैं। अर्थात यहाँ पे आप अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को और उन सभी लोगों को जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उनको अपने ग्रुप में डाल के आप मदद कीजिए, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आता है मुझे दिल खोल कर पूछिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।